Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अवगुण का
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भावने हरि ओम शांति 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 ओम प्रभो इसने भगवान कृष्ण की भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभो नमो भगवते वासुदेवाय प्रभो नमो भगवते वासुदेवाय प्रभो नमो भगवते वासुदेव ओम सनौ आवतु सनौ भूनातु सेवीर्यं करवा ते जतिनौ अधीतमस्तु मा विद्विषाः हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु ब्रह्मविद्या गीता भगवती की बरभागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली भगवान जी की अपने पार दया कृपा के फलस्वरूप हम लोग इन दिनों श्रवण कर रहे गए यह भक्ति योग 12वां अध्याय का हमने 19वां श्लोक सजनों और उपस्थित श्रद्धालु देवियों यथामति यथाशक्ति समझने और शंकाओं का समाधान करने और एक दिव्य प्रेरणा के प्राप्त करने में पूरी पूरी कोशिश की। अब हम आगे बढ़ेंगे, यह है अंतिम भक्ति योग 12वें अध्याय का 20वां श्लोक। ये तू धर्म अमृतम इदम यथा उक्तम परिउपास्ते श्रद्धा मत परमा भक्ता ते अतीव मे प्रिया हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम भगवान कह रहे लगे जो करती हैं कायम जी अमृत सधर्म यकीन सो जो रखती हैं सीनों को गर्म जो मकसूद आला समझ ले मुझे वही भक्त हैं सबसे प्यारे मेरे। आज का प्रसंग विशेष ध्यान पूर्वक सुना जाना चाहिए। आज का प्रसंग पूर्ण रूपेण हम सब पे लागू होगा। महाराज जी विशेष कृपा करते हुए अब ऐसे भगत की बात बता रहे गए जो अभी अभी चलना सीखा है, मासूम है, अभी न्यू कमर है, अभी बिल्कुल बिगिनर है, अभी उसने चलना ही सीखा है इस मार्ग पर। तुम्हारा जी उसके लिए कह रही है ये तू धर्म अमृतम, ये जो तेरे श्लोक से लेकर ये अपने 19 श्लोक तक 33 ये जो गुण आए हैं इसके अंदर जो भगवान ने गिनाए हैं इसको ध्यान देना मेरे बच्चे, सब बेटियां बच्चे और मेरे भाई बुजुर्ग, इनको मेरे भगवान कह रही है धर्म। ये है धर्म, धर्म का मतलब धारण करने योग्य। एक एक बात को जरा गौर से आज बड़ी एकाग्रता के साथ धारण करने योग्य, जैसे मैंने अपनी हथेली पर रुमाल को धारण कर लिया, रुमाल हथेली पर रुमाल था नहीं, मैंने जरूरी समझा तो रुमाल को लिया और हाथ के ऊपर रख लिया, ये धारण हो गया। इसी तरह अंतःकरण में हमने धारण क्या करना था, धर्म। धर्म का मतलब जो महाराज जी ने गुण बताए गए, जो नियम बताए हैं वो धारण करने थे, भूल से गलती से, जैसे मैं कोई गंदी चीज गोबर या और कोई गंदी चीज अपनी हथेली पर रख लूं, हथेली इतनी अच्छी, हथेली मेरे शरीर का अंग और उसमें मैंने गंदी चीज रख ली, जब इसकी वो फूटेगी और मेरे पास रिएक्शन पड़ेगा इसको फेंकूंगा। इस तरह इंसान की बड़ी जबरदस्त भूल में सजनों और देवियों जो उसने गंदी वृत्तियों को अपने मन में रखकर अपने आप को दुखा लिया, रुला लिया, पिटा दिया, और जिनके संपर्क में यह नाम मुराद आता है उनको भी बहुत हैरान परेशान कर देता है, उनका भी जीना मुहाल कर देता है। अब यह बात सबसे बड़ी बात थी जो मेरे महाराज जी फरमा रहे गए, मेरे अंतःकरण में रखना क्या है, जरा फिर एकाग्रता पूर्वक। अंतःकरण जो भगवान ने हमें दिया है मन और बुद्धि, इसमें हमें धारण क्या करना था, मैं बार बार कहूंगा
जीवन के अंतिम सांस तक भी कहता जाऊंगा, अपने बुद्धि और मन में रखना था जो भगवान जी ने बताया समझाया, जिसे हम एक शब्द में उपदेश कहते हैं, जिसके लिए भगवान ने अवतार लिया। भगवान के अवतार का एकमात्र उद्देश्य भी यही था कि जो जिस धर्म का ह्रास हो रहा था, जो धर्म दिन प्रतिदिन अंतर्धान हो रहा था, जो धर्म दिन प्रतिदिन अपरगित हो रहा था, उस धर्म का परचिम या पताका या ध्वजा बुलंद करने के लिए। जरे धर्म की फिर जमाता हूं मैं, अया हो के युग युग में आता हूं। भगवान ने स्पष्ट अपना वचन दिया कि मेरा अवतार केवल मात्र धर्म की रक्षा के लिए होता है। धर्म अर्थात जीवों के लिए वो अटल नियम, जिनको दीदा दनिष्ठा, ध्यान देना बेटी, जिसको दीदा दनिष्ठा अपना लेने से कोई भी, चाहे पापी दुराचारी लंपट कमीना आत्ताई क्यों ना हो, उसका भी कल्याण हो सकता। धर्म का मतलब भगवान के सुखदायी नियम, जिससे लोक और परलोक दोनों बन जाते हैं। धर्म का मतलब वो नियम जिससे अंतःकरण निर्मल हो जाता है और जीव भगवान के दिव्य दर्शनों के योग्य हो जाता। धर्म का मतलब भगवान का वो स्वभाव जो अनादि काल से भगवान ने अपने जीवों के लिए बनाया। भगवान ने स्पष्ट कहा अपने श्रीमुख से, मैं दीने अजल का भी हूं आसरा, मेरी जात आली में राहत सदा। दीने अजल, अगर मैंने शुरू से, जब से हजूर ने सृष्टि को रचा है तब से लेकर अब तक वो धर्म चलता आ रहा है, उसको बोलते हैं वैदिक सनातन धर्म। वैदिक सनातन धर्म, आह, हिंदू का अर्थ भी ये होता है वैदिक सनातन धर्म अवलंबी। कोई हमें पूछे हिंदू का मतलब, भाई वैदिक सनातन धर्म अवलंबी, जो वेदों के अनुसार विश्वास करता हुआ अपने जीवन को बनाता है, जो वेदों को अपना सर्वस्व मानता है और उसके अनुसार अपना लोक प्रलोक बना रहा है, वो हिंदू। वैदिक सनातन धर्म अवलंबी, उसका सहारा लेकर झुकने वाला और अपना कल्याण करने वाला। तो आइएगा, वो अनादि काल से चूंकि सृष्टि के साथ इंसान बने, यानी मानव बने, मनुष्य बने, मनुष्य जाति के लिए भगवान ने ये धर्म बनाया। चूंकि बुद्धि जो हम लोगों को विशेष दी गई है, विशेष बुद्धि जिनको दी जाती है उन्हीं के लिए धर्म होता है, ऐरा गैरा के लिए नहीं। जिनको मालिक विशेष बुद्धि प्रदान करते हैं उन्हीं के लिए धर्म। आजकल के धर्म का अर्थ बड़ा गलत लिया गया, बहुत ही गलत। धर्म के नाम पे लड़ाइयां, झगड़े, फसाद, खून, वो धर्म के नाम पे नहीं, स्वार्थ के नाम पर। धर्म तो मेरे देश का वही था जो भगवान ने बनाया था। आजकल गड़बड़ मच गई, कलयुग ने आके मत मार दी और जीवों को समझ ही ना आई। जैसे कि रावण ने विशेष प्रकार की पहाड़ी में जाकर सारी बूटियों को जगा दिया था अपने रिद्धि सिद्धि कारण से, वरना संजीवनी बूटी तो एक ही थी जो रात्रि को रोशनी दिया करती थी, लेकिन उस लंपट ने सारी बूटियों में रोशनी पैदा कर दी। हनुमान के आने पर हैरानगी छा गई, क्या मैं किस बूटी को ले जाऊं। वो तो वैद्य कहती थी कि वो बूटी एक जगमगाती, सारी जगमगाती है। आकर निर्णय करने में देरी हुई तो सारा पहाड़ी उठा लिया। इसी तरह आज जड़े करें जो मत मतांतर थे उसके साथ भी धर्म सभा लगा के एक विचारवील इंसान के लिए बहुत ही हैरानगी पैदा हो गई, कौन से धर्म को अपने जीवन का अंग बनाऊं। तो मैं तो स्पष्ट कहूंगा जो अनादिकाल से भगवान जी ने बताया है, और वो मेरे भगवान कह रहे ये जो मैंने ऊपर कहा है 13वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक, इनमें जो गुणों का वर्णन आए 33 बनते हैं, इन 33 गुणों में जो भगवान ने बताए हैं लगभग 33 है जो मेरे महाजूर ने अपने श्रीमुख से बताए हैं। हाँ, इसको अपनाने का जो संकल्प लेता कि मैं मिट जाऊंगा, लेकिन चूंकि ये मेरा धर्म है, ये मेरा स्वभाव है, इसी से मेरा कल्याण होना, अपनाई हुई चीज जाती है। जब देवियों और सज्जनों हमारे मन में ये बैठ जाए कि इसके बिना मेरा कल्याण हो नहीं सकता, हमने पढ़ाई इसलिए पढ़ी कि हमें पता लगा कि पढ़ाई के बिना हमारा कल्याण नहीं होगा, धक्के खाते रहेंगे, हमारे दिमाग में माँ बाप ने ये घुसेड़ दिया, तगारी नहीं उठानी, मजदूरी नहीं करनी, पलेदार नहीं बनना, धक्के नहीं खाने, तो पढ़ाई करो, अपने जोगे बन जाओ, ये बुद्धि में हमारे बिठा दिया गया। दिन रात एक करते रहे, दिन रात, जब तक किसी बात की महत्ता ना पता लगे, इंपॉर्टेंस ना पता लगे, हम उसके लिए मेहनत नहीं करते, हम उसको प्राप्त करने के लिए दिन रात एक नहीं करते। पहले महत्ता प्राप्त होनी चाहिए कि मैं क्यों प्राप्त करूं, मुझे क्या प्राप्त होगा, मुझे मिलेगा क्या, वाई शुड आई एग्जर्ट, वाई शुड आई स्ट्रगल डे एंड नाइट, मुझे मिलेगा क्या, पहले ये बताना चाहिए। हम जो आप कमाई दिन रात आप करते हैं, ये बात समाई है, इसके बिना तो कुछ भी चारा नहीं, गृहस्थी को तो कमाई करनी चाहिए। आप एक वेक हो गए हैं, दिन रात करती हैं, पार्ट टाइम भी लगाती हैं, बहुत कुछ करते हैं। इस तरह जब हमें पता लग जाए, भगवान की कृपा से पता लगे, अपने पूर्व जन्म के कुछ शुभ संस्कार दिव्य जाग जाए, तब ये बात हमारी बुद्धि में समा जाए कि भगवान के बताए हुए धर्म को
जो उन्होंने गीता जी ने बतलाया है, मेरा उसके बिना मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता। पेट मरू मैं चाहे कितना धनाढ्य हो जाऊं, मैं कितना बाई रूपे पठित हो जाऊं, या कितने ही मैं यश आदर मान संपन्न हो जाऊं, पर मेरा कल्याण नहीं सकता। अर्थात मुझे दिली शांति नहीं मिल सकती, मेरे पीस ऑफ माइंड मैं अटेन नहीं कर पाऊंगा। ये बात बार बार बिठाइए, मैं ही बिठा के ना चला जाऊं इस जहान से, हम सारे बिठा ले कि महाराज जी को उपदेश के बिना मेरा कल्याण, जैसे अर्जुन ने कहा था मेरा और आपका रोम रोम पुकार उठे, भला दूसरा है जहां में कहा करे दूर मेरी जो वह मुगुमा, आपके अतिरिक्त मेरे प्रभु और कौन होगा जो मेरा कल्याण कर सकेगा। आपके उपदेश से मेरा कल्याण होना है, आपके उपदेश में वो शक्ति है, वो दिव्यता है जिससे मेरा कल्याण होगा। ये बार बार बिठाइए, फिर हम दिन रात एक कर देंगे, बहुत तकलीफें भी उठाएंगे तो ये तकलीफ महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि मन में ये आ गया इसके बिना चारा भी तो नहीं है। जैसे कमाई के लिए आपको कितनी मुसीबतों और कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ता है, लेकिन आप महसूस नहीं करते भाई इसके बिना चारा नहीं, तो बड़ी जरूरी है। जरूरी नहीं आप कहते नागजीर है, इनेविटेबल है, ये अनिवार्य है, अपरिहार्य है। आप पढ़ाई के लिए नारियों को बहुत मरना पड़ता है, क्योंकि बुद्धि भगवान ने ज्यादा तेज आपको नहीं दी, मुझे क्षमा करना, तो आपको बहुत मरना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए। लेकिन आप कहते हाँ गंदा मुद्दा घर बार मिल जाएगा, गरीब रास्ता मिल जाएगा, मैं पढ़ी ना तो मुझे ऐसा रास्ता मिल जाएगा, ऐसा रास्ता मुझे चाहिए नहीं, मुझे बड़ा अच्छा घर बार चाहिए। तो कितने दिन रात आप एक करती है, तोबा मेरा रब्बा, इतनी परमात्मा के लिए करें तो परमात्मा फौरन प्रकट हो जाए, इतनी प्रीत हराम से इतनी हाथ से होए चला जाए बकुंठ में, वाका पल्ला ना पकड़े कोई। आज की नारी कुछ बुद्धि नहीं थी, भगवान ने बड़ी पड़ती है, ओए ये फेल हो गया, ये ट्यूशन रख, इधर धक्के खा, उधर धक्के खा, इधर जा उधर जा, ना मैंने घर बार अच्छा पाना। तो देख लो मैं तो अपने कानों को हाथ लगा तो परमात्मा के समय में इतना नहीं पढ़ना पड़ा। नरको भगवान ने वैसी बुद्धि शॉर्ट दी होती है, पर बदकिस्मती से इसको गंदगी में लगा लेता है, वरना तो इनकी अपेक्षा नरको भगवान ने विशेष बुद्धि दी है। मैं सच्चाई की बात कह रहा हूं, क्योंकि नारी को भगवान ने रखना था चार दीवारी में और नर को रखना था बाहर। नर ने जगह जगह घाट घाट में जाकर पानी पीना और अपने कर्तव्य को निभा रहा था, नारी ने सिर्फ मां बन के चार दीवारी में रख लेना था। आय कहते हैं मैंने इसके ऊपर बहुत से धंधे व्यर्थ के सौंप दिए या थोप दिए, तो फिर भी अगर पता लगे ना मैंने पढ़ना है तो क्या करता पड़ता, कितना करना पड़ता, फेल भी हो जाती हो, कंपार्टमेंट भी आती है, इवन देन यू आर जस्ट लाइक एनीथिंग, आप नहीं होती मन के अंदर निराशा नहीं आती, ये तो करना है। मां भी कहती है भैरिया रन्ने फिर कौन तो ले जाएगा, बैठी रहते मक्खियां मार दी रही, बार बार मां भी तंग करती कौन तो ले जाएगा, फिर पढ़ाई का जमाना है। आज कहता पहले कुछ दिन नहीं, कितना पढ़िए पहले कुछ दिन, फिर आपको बड़ी आग लगती है, बात तो ठीक है मैं कुछ बनूंगी कुछ होगा तब तो मुझे अच्छा घर वर मिलेगा। ये फिर मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब हमारे मन में बात बात बैठ जाती है इसके बिना चारा भी तो नहीं है, इसके बिना गुजारा भी तो, मैं कहता परमात्मा करे मेरी और आपके अंदर ये बात उतर जाए, भगवान के उपदेश के बिना मेरा चारा नहीं है, नो ऑल्टरनेटिव, मैं कैसे आराम से जीऊंगा। मतेरों के अंदर ये बात बिठाने की कोशिश कर रहा हूं, भगवान बिठा भी रहे। मैं तो अनेक पढ़े लिखों को ये कहता इसके बिना शांति कहां से लोगे, और भगवान की कृपा से बैठती जा रही है। अगर वो उपदेश को नहीं अपनाते हाँ इसे छोड़ देती है, शांति कहां से आएगी, क्योंकि शांति तो भगवान के उपदेश की मोनोपोली है, समझो जरा, पीस ऑफ माइंड इज द मोनोपोली ऑफ लॉर्ड कृष्णा टीचिंग द टीचिंग। इसके बिना या तो आप पीस ऑफ माइंड अटेन करें, हमारे मन में शांति रहे, आराम रहे, चैन रहे, चार दिन आराम से काटे, चकते धन को चकने से कुछ शांति थोड़ी मिलती है, आराम थोड़ा मिलता है, चैन थोड़ा मिलता है, खराब थोड़ा मिलता, पत्नी भी है बच्चे भी हैं, बढ़िया चंडीगढ़ की तरह कोठियां भी बन चुकी हैं, इज्जत भी है, लेकिन क्या एक नहीं है जिसके लिए मैंने ये सारा कुछ किया है, वो दिली शांति नहीं है, बाकी सब कुछ है फिटे मुंह, बाकी सारे गए बरात में लाड़ा नहीं है तो बात क्या बनी, बाकी सारे हैं वन टू ऑल है, माँ भी आई है लाड़े की, बहने भी आई है और तो जवाई भी आए हैं, शाबाश, शर्माती आगे कुछ बोलते हुए, सारे आए हुए हैं हाँ, लेकिन वो नहीं जिसके लिए बरात सजी धजी है और सारे हैं वो नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, जिसके लिए हमने पढ़ाई की, कमाई की, लुगाई ली, मकान बनाए, इज्जत ली और कुछ किया हाँ, वो शांति नहीं है। तो इससे साबित होता है कि शांति कहीं और है। कोई तो पीढ़ी ऐसी आएगी, अब तो हमें मेरी और आपकी बारी आ गई है ऐसे एकांत में बैठ के आजादा तौर पर विचार करने की, तो ये सारा कुछ है तो इसका मतलब इनमें शांति नहीं है, इनमें बेचैनी और बेकरारी, शांति कहां है। मैं बार बार कहूंगा शांति भगवान के वचनों में है, शांति भगवान के उपदेश में, आदेश में है, संदेश में है। इन्हें याद रखिए, उपदेश आदेश संदेश, भगवान के टीचिंग्स और टीचिंग्स में शांति है ना, ये बात भूलना बच्चे। जब भी एकांत मिल जाए करे मन में बिठाना कि मनवा अगर तू पढ़ भी गया तो फिर क्या हो गया,
अगर तूने कमाई भी कर ली तू तेरा कौन सा तू सुरखाब के पर लगा लेगा, या तेरी जा तू चाहते शादी भी हो गई, मकान भी बन गए तेरे लिए घूमने फिरने के लिए, मगला मालिक ने कार भी दे दी, हाँ ये सब कुछ हो गया, हाँ सेहत भी तेरी बड़ी अच्छी बन गई, रिश्त पुष्ट आप हो गए, आपने रीप खूब कर ली अपनी गवाई सेहत, इवन देन यू आर लूजर वाय बिकॉज देयर इज नो पीस ऑफ माइंड, यू वोंट एंजॉय द लाइफ, सारा दिन आप बेचैनियों से गुजारेंगे, बार बार अपने मन को कहो, अनेक बार 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 कहो। जैसे मेरे पर दीवान की छा गई थी इस बात को पता नहीं, मैंने 31 दिन या 32 दिन दिन रात किसी की रटा लगा दी, मैंने बताया शांति कहां से लेकर, बाकी सब कुछ मिल जाएगा शांति का, बाप के पास कोई शांति थी, कितना अमीर था, मैंने एक एक को सामने रखा मन को, बाकी जो रिश्तेदार थे उनके पास शांति थी, क्या क्या करो फर था और क्या बना हुआ था उनका, एक शांति नहीं थी चेहरे पर, मलाल ही मलाल था, जलाल नहीं था, एक एक को दिखाया, एक एक को, एक एक को, एक एक को, चिल्ला उठा मन, रो उठा मन, आधी रात को भी उसने ऐसा हलचल मचा दी जंगल के अंदर कि पता नहीं क्या होने वाला, बार बार समझाइए, बार बार समझाइए, कहां मिलेगी शांति, क्योंकि हम तो चार दिन शांति से काटना चाहते हैं, मेरा और आपका वस्त्र तो सुई चुभने जितना भी हम दुख नहीं सहना चाहते, अगर बस चले तो हम डॉक्टर के टीके के क्या भी जो थोड़ी सी दर्द होती है वो भी नहीं बर्दाश्त करना चाहते ना सहना चाहती, अगर हमारा बस चले, यानी मेरे कहने का मतलब मेरी दीदी ये कि इतना भी दुख नहीं सहते, लिटिल वी कॉन्ट टॉलरेट वी कॉन्ट फॉरबियर, अगर हमारा बस चले तो हम तो शांति के लिए आए, सुख के लिए, आराम से चैन के लिए आए, और जो कुछ भी आपने किया आज तक हाँ सुख शांति के लिए, और तो और अभी आप भगवान की वाणी सुनने आए तो शांति के लिए, आप इतने कष्ट उठा के आते हैं शांति के लिए, कहीं तो गालियां पड़ती हैं आती बार पर, आप कहते हैं जो मर्जी गालियां दे ले, जो हमें वहां लाभ है तेरी गाली कोई बात कोई मैं नहीं रखता, जो मर्जी कर ले, जो मर्जी ही, आप एवर रेडी रहते हैं, कोई आपको दावत दे स्वयं सो क्यों चलेंगे, हानि में सरकार हाजर, वह फौरन फौरन तैयार है, एवर रेडी तो सेल नहीं इतने तैयार जितने के जनाब तैयार है, कुछ मिलता है ना, कुछ चैन मिलता है, करार मिलता है, ये हम सब शांति चाहते, वरना नारी वर्ग क्या लगे, और इतना दूरों दराज आना क्या लगे, तो चाची का घर है, मासी का घर है, यहाँ कोई जंगल है इर्द गिर्द बिल्कुल जंगल, यहाँ से तो कमेटी की हद शुरू होती है, बता दूं आपको सत्संग भवन से कमेटी की हद शुरुआत है, उन्होंने लाइन से उरे कमेटी घाट बना ली और भवन नंबर वन है, कहीं इतना दूर है शाबाश शाबाश के कमेटी की हद यहाँ से सीमा उनकी शुरू हो जाती है, यानी अंबाला शहर की सीमा सत्संग भवन, क्या कहने बहुत अच्छे वेल बिगन इज ऑफ डन, मंदिर से उनकी सीमा शुरू है, सत्संग भवन से उनकी सीमा शुरू होती है, इतनी दूर आप आए बैठी है बिल्कुल, क्या सिर्फ शांति के लिए, आराम के लिए, चैन के लिए, मन में और बिठाइए, मन में और गहरे ले जाइए, और गहरे ले जाओ तो भगवान की वाणी के बिना मेरा कल्याण है, जैसे हम लोगों ने महाराज जी की कृपा गुरुदेव जी की अपार कृपा से बिठा लिया अपने मन में, 100 जन्म नहीं 1000 जन्म भी हो जाते ये बात बार नहीं कर सकती, इतना गहरा बिठा लिया कि महाराज जी के बिना वाला शांति फिटे लानत हो ही, करोड़ों रुपए हो जाए तो अमेरिका शांत है क्या, अमेरिका इज रिच कंट्री, रूस इज ए रिच कंट्री, और भी होंगे बड़े रिच कंट्री होंगे, हाँ मुस्लिम कई कंट्री है बड़े रिच है, लेकिन वो शांति में रिच नहीं है, सुख में उनको सुख नहीं है, शांति नहीं है, आराम नहीं, चैन नहीं, करार नहीं है, अभी तक वो भारत भागे भागे आते हैं, दौड़े भारत में आती है, शांति नहीं बाकी सब कुछ है, इसलिए बार बार अपने मन को कहो कि शांति प्रभु के वचनों में है, कहो मेरे पुत्र कहो, अपने मन को बिठाओ और बार बार कहो मेरे बुजुर्ग मेरी बेटी कि शांति भगवान से मिलनी है, शांति प्रभु से मिलनी है, शांति और कहीं नहीं, महाराज जी की बड़ी कृपा जिन्हें अवतार देकर चोटी के वाणी दी जिससे के हम लोग अपना कल्याण कर सके बुद्धि और मन का आहा और अपने को शांत बना ले, लो मेरे बच्चे जब ये बात समा गई गहरी उतर गई अपने अंदर, हाँ इसको भगवान धर्म कह रहे, ये जो मैंने ऊपर 33 गुणों वाली बात कही है भगवान कह रही है, हाँ ये क्या है, धर्म है, अब धर्म तो ये, और जो आजकल कहा जा रहा है वो देखिए जरा धर्म कैसे, अधर्म को धर्म कहा जा रहा है, देखिए जरा भेड़िए को भेड़ कहा जा रहा है क्योंकि उसने भेड़ की खाल ओढ़ रखी है और अंदर भेड़िया, भेड़िए ने भेड़ की खाल ओढ़ दी और हमने कह दिया कि ये भेड़ है, भेड़ थोड़ी है, अंदर देखो ना क्या है, रावण ने महात्मा का कपड़े पहन लिए लेकिन अंदर तो दुराचारी है, अंदर तो रावण है, अंदर तो आसुर है, अंदर तो राक्षस है, भली बार उसने कपड़े पहन रखे हैं और किसी को लूटना चाहता है, चुराना चाहता है, शाबाश, तो बड़े ध्यान के साथ धर्म किसी कहती है, भगवान ने अब 20वें श्लोक में 12वें अध्याय अंतिम श्लोक में कह दिया ये तू धर्म अमृतम, इस इन गुणों को बड़े ध्यान से कहना, और ये क्या है अमृतम, हाँ जिसका कभी नाश नहीं होगा,
ये गुण क्या है जिसका कभी नाश नहीं हो, अविनाशी गुण है, इमोर्टल क्वालिटीज, बिकॉज दिस आर ऑल बिलोंग्स टू ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा। जो महाराज जी के साथ संबंधित और व्यवस्था होते हैं उनका कभी नाश नहीं होता, उनको वो हमेशा रहती है। तो बोलता अमृतम जिनका नाश नहीं होगा, और अर्थ निकालते हैं हमारे आचार्य, हाँ इसको अपनाने वाला ऐसी शांति पाता है अमृतम जिसका मृत नहीं होते, यानी सदा रहने वाली शांति पाता है। ध्यान देना जरा, जो मुझे अपने आचार्य से मिला है श्लोक का, मैं आपकी झोली में डालता जा रहा हूं जरा हजम करने की और समझने की कोशिश करना। पहले तो कहा ये जितने भी गुण है ये अविनाशी है क्योंकि भगवान जी से निकले हैं। दूसरा ये कहा कि ये गुण जो है, हाँ ये इसको अपनाने वालों को क्या अमृतम ऐसी खुशी मिलेगी, मृतम जो मृत नहीं हो गई, जो मरेगी नहीं, अर्थात शाश्वत प्रीनियल एंड इटर्नल हैप्पीनेस दैट लकी सोल विल अटेन। इनको अपनाने वाला भगवान के जो ऊपर गुण बताए हैं, इनको जो एड़ी चोटी का जोर मार के अपने जीवन का विशेष अंग बना लेगा, जो मेरी बेटी पूरी श्रद्धा के साथ पूरी निष्ठा के साथ इसको अपनाने में जुट जाएगी, तो वो क्या पाएगी अमृतम, हाँ वो ऐसी शांति पाएगी जो अविनाशी शांति होगी। अमृतम आपने लगा दो, मृत अलग कर दो, आपने नहीं मृतम मैंने मृत जिसकी मौत नहीं होगी, ऐसी शांति जिसका क्षय नहीं होगा, ऐसी शांति जो इमॉर्टल होगी, यानी प्रीनियल इटर्नल यानी शाश्वत और स्थायी यानी मुस्तकिल शांति को प्राप्त करेगा। शाबाश, और भी अर्थ लगाए आचार्य, कितने गहरे उतने गीता रहस्यकार कमेंट्री करने वाले और इसकी टिप्पणी करने वाले, क्या धर्म अमृतम, हाँ इस धर्म को अपनाने वाला सदा रहने वाली शांति तो पाएगा, पर अमृतम उस परमात्मा को पाएगा जिसका कभी नाश नहीं होता। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, क्या गजब ढाया है हमारे आचार्यों ने, जिनके लिए मैं बकअप बकअप करवा रहा हूं, गजब की पहुंच है। अमृतम धर्म अमृतम, इनको अपनाने वाला अमृतम परमात्मा को प्राप्त करेगा, क्योंकि बाकी तो मृतम है संसार में। संसार के लिए जो कहा जाता है यद दृष्टम तत् नष्टम, विजिबल पेरिशेबल, संसार के लिए देवी जी कहा जाता है विजिबल पेरिशेबल, जितनी प्राणी पदार्थ दिखाई देते हैं देर समय ये इनका नाश हो जाएगा अवश्य में, लेकिन एक साथ है जिसे सृष्टि बनाई है, जो हमारे इष्ट देव कहलाते लोकीनाथ कहलाते भगवान कृष्णा अमृतम, उनका कभी नाश नहीं होता। भला किसकी ताकत है किसकी मजाल फना कर सके हस्ती ये लाजवाब, वो अमृतम है, दैट इज द ओनली एग्जिस्टेंस, दैट इज द ओनली पर्सनैलिटी जिसका कभी नाश नहीं होगा, दैट इज द ओनली 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 सो मेनी टाइम्स यू स्पीक ओल्ड, उसका कभी नाश नहीं होने वाला। बाकी सब प्राणी पदार्थ क्या मौत का ग्रास बन जाएंगे, बाकी सब प्राणी पदार्थ क्या 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 धर्मपुरी में चले जाएंगे, सब यमपुरी में चले जाएंगे, लेकिन ये कहे महाराज जी ओ जो अविनाशी है, जो काल के भी महाकाल है, जिनको कहने का हक है, जो कहे कजाहू मैं के दर पे पनाहू मैं, हर हस्तियों बुद्ध को मिटाने आ रहा हूं मैं, हर हस्तियों बुद्ध को वकत वकत कौन कह रही है अमृतम, वो अमर पुरुष पुरुषोत्तम भगवान कह रहे हैं, अमर पुरुष पुरुषोत्तम, सुनो तो अमर पुरुष पुरुषोत्तम, जो अमर होगा उसको हम पुरुषोत्तम कहेंगे, बेस्ट सुप्रीम अमंग मेन अमृतम पुरुषोत्तम, वो भगवान इन गुणों को अपनाने वाला क्या सदा रहने वाली शांति प्राप्त करता हो भगवान को पालेगा। और आचार्य कहती हैं हाँ अरे भाई भगवान को पालेगा तो भगवान का जो स्वभाव है वो तो सदा रहने वाली शांति है, तो दोनों ये की बातें, हमने कोई कंट्रोवर्स इसको आपस में वाद विवाद नहीं करना, यानी दोनों अर्थ निकालेंगे, सदा रहने वाली शांति को प्राप्त करेगा और साथ ही साथ भगवान की जात में सदा के लिए समा जाएगा, हमेशा के लिए समा जाएगा, यानी कौन ध्यान देना ये धर्म अमृतम, ये दो शब्दों में कमाल कर दिया है मेरे प्रभु ने, मेरे व्यास जी ने गजब ढा दिया है। ये जो 33 गुणों वाले ऊपर धर्म कहा गया है, ये जो धारण करने योग्य है, धर्म जो धारण करने योग्य है, जो अंतःकरण में रखने योग्य है, हमें मालूम ना था कि हमने अंतःकरण में क्या रखना है, विष भरा कनक घट जैसा है, तो सोने का घड़ा लेकर है उसमें जहर भर दी गई है, तो इतना अच्छा अंतःकरण पर उसमें नकारात्मक वृत्तियां भर दी गई अज्ञानता से, जहालत के मारे हमें पता नहीं था, हमें मालूम ना था कि हमने अंतःकरण में रखना क्या है, रखना तो ये था, ये रखना था पर हमें मालूम ना था। दो चार साल के बाद एक दिन राजा फिर ऊपर कोठी पर टहलते हुए दिखाई दिए, शाम का वक्त था, उन्होंने मेत्रानी को देखा कि है ये अब तक यही काम ही कर रही है, गांधी उठा रही है, ए कोई है अन्नदाता, मैं द्वारपाल
अरे भाग के जा, उस मित्रानी को बुला के लाओ। वो तीसरी मंजिल पे देख रहे गए और मित्रानी के पास भाग भाग गया। महाराजा साहब जात, मेरे से क्या भूल हुई, मेरी क्या कसूर किया, हमें नहीं पता। चलो तुम नीचे के कमरे में आओ, महाराज साहब आ रहेगा। हाथ धोए पर आपने आपको कुछ अच्छा बनाया और तैयार हो गई। कैमरा सब आ रही है। वो आए नीचे, सुनने वाली बात, नीचे आए। हाँ, और कहने लगे, मित्रानी राम राम। महाराज साहब मुझे कोई भूल होगी तो मैं वहां पर भूल नहीं, मैं सिर्फ अपनी जानकारी के लिए तेरे से पूछता हूँ। क्या आज से चंद वर्ष पहले जबकि शहजादे ने जन्म लिया था, राजकुमार ने जन्म लिया था, हाँ, और तूने आके बधाई दी थी ना? महाराज मेरे दी थी, और मुझे याद है मैं तुझे क्या दिया था। महाराज आपने मुझे बहुत बड़ा अच्छा दिया था, बहुत सुंदर, अरे क्या आटे गूंथने वाला थाल जिसे आप प्रात बोलते हैं। क्या करूं, मेरी जबान में प्रात बोलते थे मिट्टी की बनी हुई को जो मुसलमान इस्तेमाल करते हैं, और या मैं सुनता हूं कि प्रात बोलते हैं जिसमें आटा गूंथते हैं, उसे थाल आप थाली बोलते हैं, जरा बड़ी हो तो। अब मैं क्या करूं, मैं थाली कहूंगा। आटा गूंथने वाला थाल तुझे दिया था, नहीं आप उसे प्रात बोलते हैं, मैं क्या करूं। तो तुझे दिया था थाल, बहुत बड़ा आटे गूंथने वाला। हाँ तो महाराज वो तो बड़ी कृपा, मैं तो रोज ही आपके गुण गाती हूँ। क्यों, पहले मेरे पास कोई टोकरी होता था, उसमें से ये गंद चूता था, पेशाब और गंद मलमल तो बाहर निकलता था, मेरे कपड़े खराब होते थे। जब से आपने थाल दिया है अब तो जरा भी नहीं चूता, फिटे मुंह तेरा, मर तेरा बिरा कर। वो थाल है कहाँ महाराज, वो बाहर रखा है। वो तेरा बिरा कर, वो तो सोने का थाल है महाराज, सोने का। तो और क्या, अभी बुलाया गया, साफ कराया गया, दिया गया, लाखों का थाल बना। ये देख, मैं तो कह रहा तेरी सात पीढ़ियों में तेरी गुर्बत निकल गई। चिल्ला उठी और पिट उठी, कहे महाराज पर उस वक्त आपने बताया, तूने कहा तो था कि स्वर्ण है महाराज, मैं क्या जानू स्वर्ण क्या होता है। आपने चिंता कहना था सोना, हाय हाय आपने स्वर्ण कह दिया, वो मनु क्या पता स्वर्ण क्या बना हुआ है, मुझे क्या पता हो। आपने सीधा कहना था ना, आए आप कर मोयो बचरा, फारसियां घर गाले, मुझे क्या पता। आप जे मैं जान दी, आप दा मतलब पानी तो तेन दिन दी भर भर प्याले, पर आप कर मोयो बचरा, ये फारसियां घर गाले। एक दा पुत्र कहंदा रहा, मां आप वो कहती है आप क्या, अब्बा तो मैंने सुना, अब्बा का मतलब आप, वैसे तेरा बाप घर नहीं, वो तो आप कहता रहा मुझे पानी दे, अब्बा तेरा घर नहीं, अब वो अब्बा समझती रही। ओए आप भी पता था मेरा बच्चा, आप कहते आप तो पानी हो भर गया, मैं तो ये मेरी मैं अनपढ़ जट्टी, मेरे क्या पता आप क्या हुए। तमाशे कहावत मशहूर हो गई, आप कर मोयो बचड़ा, फारसियां घर गाले, ये पता होता आप दा मतलब पानी तेन भर भर दें दी क्या ले। तो आपने स्वर्ण स्वर्ण कह दिया, मनु क्या पता स्वर्ण, मैं कोई यूनिवर्सिटी से कोई ग्रेजुएट बन के आई हूं, मुझे क्या पता। तब राजा ने महत्ता बताई। इसी तरह टाइम टू टाइम महापुरुष आकर के हमें अंतःकरण की महत्ता बता जाते हैं। करे वो कमले, ये तो बहुत ही मूल्यवान है, पर हमने इसने काम करो बोलो वंकार निंदा मत सचोरी यारी हवा भुगत कीना, जो के मन के मल है वो भर रखे, वो तन का मल है जो मित्रानी उठाती है, मित्र उठाते हैं, और ये मन का मल है जो हमने अंतःकरण में भर रखा है। इतना मूल्यवान, इतना मूल्यवान अंतःकरण, और उसमें ये गंदगी, बस जब ये थोड़ी समझ आ जाती है तो बस तर उसमें भगवान द्वारा बताए गए ये गुण भरने लग जाते हैं। सर महत्ता को जल्द से मैं कहता हूं रीएवैल्यूएट या पुनः मूल्यांकन कीजिए, पुनः मूल्यांकन। एक को हमने बहुत सस्ता बना रखा है, उसकी कीमत अनमोल है, इसलिए कह रहा था रीएवैल्यूएट, इसका मूल्य पुनः मूल्यांकन कीजिए। पुनः मूल्यांकन का दावा बन जाता है और स्टे ऑर्डर मजिस्ट्रेट लिया था, महाराज गवर्नमेंट मुझसे जमीन ले रही है, हाँ, और वो 3 रुपए 10 आने गज दे रही है, जबकि पड़ोस में जमीन वही 140 रुपए गज बिकी है। मैं चाहता हूं कि वापस सारे जाए कानून को इत्यादि वहां पर देखें, पुनः मूल्यांकन करें। इसे बोलते हैं री एवेल्युएट दी लैंड, री ऑब्जर्व दी लैंड, कि ये बहुत सस्ता ले रही है जबकि पड़ोस में ही बिका है, और रिश्तियां आपके पास हुई हैं कई प्लाट की, 140 रुपए कहां और 3 रुपए 10 आने गज कहां। रीवैल्यूएट हुआ, 81 रुपए गज पर बात जाके बनी, कहां 3 रुपए 10 आने और कहां 81 रुपए। चंडीगढ़ में जितने मुकदमे हुए हैं बहुत जीत के ले गए हैं, 3-3 बार बोलने मुकदमे करके गवर्नमेंट की मुच्छा जो यू चढ़ाई हुई थी नीचे कर ली। क्या 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 महाराज जी ने कहा है, पैकैफियत आनी जानी है, ये सहेजा खुशी से के आगे फिर सब लगाया है, वो इंसान असर जिसमें इनका नहीं, खुशी से जो खुश होना गम से हजी, सुनर्जा ने कायम दिल उसका मदा, उसी की ये शाया हयाती दवा। वाह भी अमृतम शब्द आए बच्चे,
क्या अर्जुन जो द्वंद्व से अतीत हो जाएगा, द्वंद्व के आने पर सुख दुखानी ला मान अपमान ये सब के आने पर अपने मन को डुलाएगा नहीं, अपने मन को बनाए रखेगा अर्जुन, वो अमर हो जाएगा वहां भी अमृतम। उसी की ये छाया हयाती, हयात मैंने जिंदगी, दवा मैंने हमेशा रहने वाली, हमेशा रहने वाली जिंदगी पालेगा अर्थात अमर हो जाएगा वहां भी अमृतम। और यहां भी मेरे भगवान कह रही है जो मेरे बताए गए इन गुणों को, जहां पर लगभग हमें मेरे बेटा कह रहा था 9 महीने हो गए हमें, 12वें अध्याय का विचार कर, 9 महीने हो गए पुत्र, इस पर विचार होते होते अगर एक हफ्ता में और चला दूं तो पूरे 9 महीने हो जाएंगे, पूरे 9 महीने। इतना विस्तार 12वें अध्याय का जरूर कुछ ना कुछ बना लेना चाहिए, परमात्मा करे मेरी वाणी सत्य हो। 9 महीने लगातार 12वां अध्याय भक्ति के बारे में समझा गया, भक्ति भगवंत के बारे में, जरूर भगवान करे रंग लाए मेरी जबान सत्य हो, जरूर रंग लाए, जरूर सुनना रंग लाए, जरूर हमारे में भगवान की भक्ति का गूढ़ा रंग चढ़ जाए और भगवान के दिव्य दर्शनों के योग्य हो जाए जरूर, वरना ये जाती है मुझे और आपको बड़ा शर्मिंदा करेगी, बड़ा शर्मिंदा करेगी, हम उन जो दिखाने जोगे नहीं रहेंगे, ये कहेंगे हम नर की पीढ़ी चलाने के लिए 9 महीने में सुंदर सुंदर लाभ देती है, लानत इंसानों को, 9 महीने गीता सुनी और कुछ भी पैदा नहीं किया, आए फिर हमें बड़ी शर्मिंदगी होगी, हमारी सामने बैठी है माताएं बहने, ये कहेंगे हमारे से गए बीते हैं, हम कितना सुंदर लाल 9 महीने बनाकर देती है और इन्होंने 9 लगातार एक भगवान के भक्त से गीता सुनी और 12वां अध्याय 9 महीने और क्या दिया मुसल के सर, क्या पैदा किया? ना ना ऐसा नहीं होगा, मेरा सुनाना कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, मैं भगवान को कह के आया हूँ अभी अभी आशा क्या होंगे प्रभु लाज रखना मेरी, मेरे बेटों ने महीने गिने 9 हो गया पूरे, ये जो 12वां अध्याय चला हुआ है हमारी लाज रखना प्रभु, हमें भी जो है परमा भक्ति का वरदान दीजिएगा, ना मैंने कुछ सुनाने में कसर छोड़ी है, ना आपने कुछ सुनने और समझने में कसर छोड़ी है, और इन्हीं दिनों ही भगवान का अवतारी दिवस भी पावन आ गया, रैखिक कसर पूरी करने के लिए सोने में सुगंधी, तो भगवान हमारा सुनना जरूर सफल करेंगे, वरना ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ना घर का ना दर का, कहीं का नहीं छोड़ेंगे, तो भगवान करे कोई इनका गिला शिकवा हमारी झोली में और हमारे जो है आंचल में ना आने पाए, हम जरूर इतना विचार। और फिर भगवान आखिर में वचन दे रही है धर्म अमृतम, जो इस धर्म को अपना लेगा, इन गुणों को अपने जीवन का अंग बना लेगा, अमृतम अमर हो जाएगा, हमेशा रहने वाली शांति पालेगा, अमर पुरुष पुरुषोत्तम भगवान में तल्लीन हो जाएगा। आह ये तो बड़ा मजा, ये तो भगवान ने बहुत चोटी का हम लोगों को वरदान दे दिया कि इन गुणों को अपना धर्म अमृतम, दशौरी की दो करते कमाल के शब्द है धर्म अमृतम, ये धर्म जीव को अमृत बना देता है, ये धर्म जीव को सदा रहने वाली शांति देता है, बोलते हैं शाश्वत और स्थायी शांति, अटर्नल एंड प्रीमियल हैप्पीनेस, अटंडल है प्रीमियर कौन पाता है जो महाराज जी द्वारा बताए गए इन गुणों को अपने जीवन का विशेष अंग बना लेता। तो आज की मानव जाति क्यों दुखी है, एक ही जवाब है, आज की नारी वर्ग इतने क्यों दुखी और हताश उदास निराश है, एक ही बात है, भगवान द्वारा बताए गए धर्म को अपना नहीं रही, अधर्म को अपने मन में रखा हुआ, धर्म को अपनाने के बाद ही शांति मिलता, हमेशा खुशबू फूलों से आती है, हमेशा खुशबू फूलों से आती है, इसी तरह हमेशा शांति भगवान द्वारा बताया गया धर्म से आती है, अधर्म से नहीं, धर्म से। और वो कौन सा धर्म जिसके लिए हमारे सरताज कह रहे हैं मैं दीनी असल का भी हूं, आसरा मेरी जाते आली में राहत सदा, शब्द राहत लगाए शांति अपने मन में बिठा लो, मेरा सुनाना सफल कर लो बच्चे, ये मेरे बोलना सफल करो, मेरी बात आओ मेरी अच्छी बेटियों, अपने मन में सदा के लिए रख लो कि बस मेरा कल्याण भगवान जी ने जो अपने श्रीमुख से कहा है उसे अपनाने में है, जीवन में उतारने में है, ढालने में, और मैं एड़ी चोटी का जोर मार के जब अपनाऊंगी तो भगवान भी इस कहावत को चरितार्थ करेंगे, हिम्मत मर्दा मदद कन्हैया, जब हम अपनी ओर से स्ट्रगल करेंगे पूरी हिम्मत से काम लेंगे तो भगवान भी चुपके चुपके और चुपके चुपके हम सबकी सहायता करेंगे, ये उनकी पक्की प्रतिज्ञा है, ये बड़ी उनकी प्रतिज्ञा है कि जो कोई भी अपनी ओर से पूरी कोशिश करेगा हाँ भगवान उसकी सहायता करेंगे, आहा भगवान उसके हामी होते हैं, आहा आहे भगवान उसके तरफदारी करती है, बहुत अच्छे। तो आइएगा धर्म अमृतम, भगवान ने 12वें अध्याय को कहा है धर्म अमृतम, कि ये क्या है, ये धर्म है और क्या है, जीव को अमर बना देता है, हाँ जीव को आवागमन से छुड़ा देता है और सदा रहने वाली शांति जीव की झोली में डाल देता है, इसके बाद क्या चाहिए जीव को, बिल्कुल तृप्त हो गया, इसके बाद मेरी बेटी हमेशा के लिए तृप्त हो गई, हमेशा के लिए, मैं सब लगा सदैव के लिए,
मैं हम तृप्त हो जाते हैं। धर्म अमृतम है तो धर्म नाना प्रकार की बोलियां, ये धर्म है, वो धर्म है, वो धर्म है। मैं बार बार कहूंगा जो हजूर ने अपने श्रीमुख से गीता जी में कहा है, आपकी कसम, भगवान की कसम, गीता की कसम, वही धर्म है, वही धर्म है। यहां तक भगवान ने कहा है, खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान है, इसके उलट जो कुछ भी है वो अज्ञान है। सही रूप में जो चोटी का धर्म है वही जो हजूर ने बताया, जो चारों वेदों की कुंजी है, चारों वेदों का सार, चारों वेदों का सार गीता, चारों वेदों का लुबे लुबाब गीता। वो भी कि न भूलना, इस उसको भूल जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान के उपदेश को ना भूलना मेरी मैया, मेरी बेटी, जिसके लिए मैं विशेष आपके पास पहुंचा हुआ हूँ। महाराज जी को ना भूलना, कभी ना भूलना महाराज जी का, मतलब उनका उपदेश जो है उन्होंने अपने श्रीमुख से आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के लिए कहा है, और मुझे विशेष प्रेरणा दे करके यहाँ पर बिठा रखा आप सारे जीवों के लिए। तो ये है वो भगवान भला करे, धर्म यानी धारण करने योग, यानी बुद्धि और मन में रखने योग, यही तो मेरे भगवान ने कहा है, दिलो अक्ल जो मुझ पे कुर्बान करे वही है मेरा भक्त प्यारा। मुझे कहा, मुझे यू बोलते हुए ना एक दृश्य सामने आ जाता है, जब मंगनी होती है, हाँ 10, 12, 16, 18, 19, 21 व्यक्ति खड़े हो जाते हैं, हाँ अपने में पीतल की थालियां, पीतल की थालियां ले ले करके, हाँ चलती है लड़की को, लड़के लड़के घर में देने के लिए, ठीक क्षमा करना, तो लड़के घर में देने के लिए चल पड़ती हैं, 21 आदमी या 11 आदमी या 51, बड़े अमीर होंगे तो 51 चल पड़ेंगे, मीडियम होंगे तो 21 चल पड़ेंगे, अगर और भी लिल्लड़ होंगे तो 11 चल पड़ेंगे, तो 11 थालियां लेके चलती हैं, हाँ और ऊपर कपड़ा बड़ा सुंदर लाल रंग का रखा होता है, और साथ लाल कपड़ा ना, क्षमा करना मैं बड़ा यल्ला हूं, वो लाल रंग का कागज ऊपर रखा होता है, है शानदार, और चल पड़ती है सारी, आहा चली है टोली मिलके, जरा देखो जरा इनकी चाल, तो ऐसी नहीं जाती, हाँ उसके अंदर कई चीजें सजा के जाते हैं, किसी में खुश्क मेवा जा रहा है, अरे किसी के अंदर कुछ और चीजें जाती हैं, बहुत भी मैंने देखी, सारी तो थालियां नहीं देखी, 2-3 थाली देखने का मुझे मौका मिला है, सच्ची बात है, मैं रब को जान दे रही, मैंने सारी एक एक थाली देखी नहीं, भूखों की तरह वे क्या ले जा रहे हो, 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 आहा चूंकि धीर देनी नहीं थी, पुत्र लेना नहीं था, तो अपनी मौज थी, तो देखती रहे, बड़ी बड़ी चीजें जाती है, बड़ी 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 कोशिश भी की जाए, मेरे जैसा एक वैरागी पुरुष भी कोशिश करे थालियों को देख के तो भी सॉरी मुंह में पानी तो आ ही जाता है, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें लेके जाती है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ओए होए बहुत सुंदर सजा के और बना के, और जो है बहुत ही उसमें सज के जाती है, जबकि मंगनी वाला दिन, हाँ जा रहे सारे बताया था मंगनी हो रही है जी, ये सारे जा रहे बिना उस्तरे बिना कैंची हजामत हो रही है, बिना उस्तरे बिना कैंची लड़की वालों की हजामत हो रही है, खूब हजामत, 1000 रुपए का माल जा रहा है, हाँ सही धज के, परमात्मा करे, परमात्मा करे, मेरे इष्ट देव जी करे, मेरे सर्वस्व करे, मेरे अंतर्यामी करे, मेरी वाणी सत्य हो, मेरी वाणी सत्य हो, हम भी दिन रात हाँ भगवान को सामने रख के अपने बुद्धि और मन को क्या सोने की थालियां समझते हुए इसमें इन गुणों को जो भगवान ने 9 महीने चलाए हैं सजा के मालिक के सामने रख दे, लो मेरे परम पिता, लो मेरे मन में तो ये विशेष है लगन कि हम भी भगवान के आगे रखेंगे, दातिया ले तेरी मेरी मंगनी हो जानी चाहिए, दाता जीवात्मा भगवान में तलीन हो जानी चाहिए, मुझे अपने योग्य समझ ले, हाय मुझे अपने योग्य समझ ले, बहुत अच्छे मुझे अपने योग्य समझ ले, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आज से कई महीने पहले एक चंडीगढ़ से यूनिवर्सिटी से केस आया था मेरे पास, आपस में उनका प्यार होगा, हाँ तो कोई वचन दिया होगा एक दूसरे को, हाँ तो अब वो मुकर गया नहीं मानता, तो अब वो बिचारी अकेली आई यहाँ पर अपने किसी भाई को या किसी को लेकर के, हाँ देखो जी उन्होंने मुझे ये कहा था कि तुम MSc कर लो, मैंने बाप का रुपया खर्च करके 3 बार फेल हुई, 4थी बार में कामयाब हो गई, फिर उन्होंने शर्त लगाई कि तुम फलानी पोस्ट ले लो, बड़ी रिश्वत दे के मेरे पिताजी ने 12,500 रुपया दे के मुझे वो नौकरी दे दी है, अब वो नौकरी भी होगी, MS भी हो गई, हाँ अब वो नहीं मानते, क्यों क्या पर नुक्स क्या बताती है, कहते नहीं तेरा रूप रंग नहीं अच्छा, वो फिटे मुंह है, तो मैंने फूट फूट के रोई मंदिर के अंदर कि सब कुछ हो गया, कोई आपके पास शक्ति हो तो लगा दो, ऐसा नहीं है, इतने साल तो मैंने उनको अपने मन में रखा, उनकी फोटो अपने कापियों में और घरों में रखी, अब जब मैंने शक्ति पूरी कर दी वो क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं, उस वक्त मैंने कहा बेटी मेरे भगवान को देख, मेरे यार को देख, हाँ ये कहती है ये गुण अपना ले और कभी इनकार नहीं करते,
तो उसने कहती मैंने बड़ी भारी भूल की, हाँ जो अपने आप को उनकी तरफ लगा दिया। मलिक ये तो कभी नहीं इनकार करते, वो घटना याद आ रही है जहां भगवान स्पष्ट कह रहे हैं जो कभी इनकार नहीं करते, बल्कि इनकार करना जो जानते ही नहीं है। जो कहते इन गुणों को ले, हाँ इस धर्म को अपना और मेरा दीदार तेरे सामने, मैं ये कभी नहीं कहूंगा अब मैं तुझे नहीं वर्ण नहीं करता ना जी, वर्णीय हो जाता है वर्णीय। कोशिश करो बच्चे, सजाओ अपने अंतःकरण रूपी थालियों को इन गुणों से जिसको हमारे शंसा करें। धर्म अमृतम, ओ मेरी बेटी धर्म अमृतम, ये कैसा धर्म है जो जीव को अमर कर देता है और अमर पुरुष पुरुषोत्तम के साथ एक में कर देता है। आह, तो जैसे वो मैं अभी कहा उस पंजाबी लड़की ने, एक दिन रात कर दिया कि मैंने ये पढ़ना है, ये कमाना है और अपने को स्टैंड कर लेना, उसके बाद मैंने इसके योग्या बन जाना। अब उसको करना चाहिए, जरूर होना चाहिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसकी शादी हो चुकी होगी, वही जरूर होगी उन्हें। तो इसी तरह भगवान कह रही है धर्म अमृतम यथा उक्तम, शब्द ये भी लगाया यथा उक्तम, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है, यथा उक्तम लेकिन यथा जैसा के उक्तम मैंने कहा है, जैसा हमारे हजूर गुलफिशा हुए हैं। इन गुणों को जो अपने जीवन में ढाल लेता, अपनाना ही है ना, अरे भाई जीवन में ढालना ही है ना। हाय 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 हाय, एक व्यक्ति नाली में मुंह मार के कुत्ते की तरह लिप लिप करके पानी पी रहा था, जबकि आप गुजरे निहाल चंद जी और आपने हाथ पकड़ा, अरे भाई तुझे क्या हो गया, हाँ तो मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी, अरे भाई पानी पीना है, वो नलका है फिल्टर्ड वाटर छना हुआ पानी है, चल पियो, कहां मर रहा है वो देख, साफ सुथरा पानी नाली या गंदा पानी, हाँ यही मन को कहे। गुरुदेव ने मुझे कहा था मन को समझा दो भाई, अगर अंतःकरण में रखना ही है तो क्या गंदी रखना है, क्यों ना ये गुण रख के हमने लोक भी बना ले परलोक भी बना ले, क्या नेगेटिव क्वालिटी रखनी है, व्हाई नॉट पॉजिटिव क्वालिटी, जैसे कि भगवान कृष्ण पिछली मुख से बता और समझा रहे हैं, धर्म अमृतम जिससे लोक भी बने परलोक भी बने और जीव अमर भी हो जाए। आहा अमर भय अमरा पद पाया, गुरु ग्रंथ साहब में आता है अमर भय, अमर कैसे भय, अमरा पद पाया, उस अमर पद को भगवान का दीदार करने के बाद जीव अमर हो जाता। तो ये अवस्था क्यों ना आप जीव बनाए, मैं और आप जो का अपना कल्याण चाहते हैं, मैं संसार को नहीं कह रहा, संसारियों को नहीं कह रहा, प्रपंचियों को नहीं कह रहा, कि मैं अध्यात्मवादियों को कह रहा हूं, मैं उनको कह रहा हूं जो अपना कल्याण चाहती हैं या अपना जो बेहतरी चाहती हैं, उनको चाहता हूं जो अपनी बहबूदी और बेटरमेंट चाहती हैं, मेरी प्रार्थना उनसे है। ये मेरे सामने वो बैठी है, ये सभा जो अपना कल्याण चाहती है, ये मंडली जो अपना कल्याण चाहती है, तो आइए ना मेरा महाराज जी करे, ये यथा उक्तम जैसा मैंने ऊपर कहा है, जैसा मुझे समझाया गया है, तो महाराज कहते इनको अपनाइएगा, इनको अपने जीवन में ढालिए। रोज ही नहाने धोने के बाद प्रातः काल जब आप ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के श्री चरणों में हाजिर देख करके उठते हैं, उठना चाहते हैं तो कहा करो प्रभु आपने जो उपदेश हमारे लिए कल्याणकारी समझा उसको अपनाने की विशेष शक्ति प्रदान करो। अपना तो राम पर मेरे मन कहते हैं मैं पूरा इंसाफ नहीं कर पा रहा, शाबाश, कहा करो मेरी लाडली बेटी कि मैं पूरा न्याय नहीं कर पा रही आपके अमर और आपके इतने अच्छे उपदेश की, मुझे विशेष शक्ति प्रदान कीजिए ताकि मैं आपके उपदेश के साथ पूरा पूरा न्याय कर सकूं, उसको पूर्ण रूपेण अपने जीवन में चरितार्थ कर सकूं, अपने जीवन में ढाल सकूं। ऐ मेरे बाण के बिहारी, ऐ मेरे त्रिलोकीनाथ, ऐ मेरे सरताज और मेरे जिंदगी के एकमात्र गाइड फ्रेंड एंड फिलोसोफर लॉर्ड कृष्णा, मुझे विशेष शक्ति प्रदान कीजिए ताकि जो कुछ भी आपने कहा मैं अपनाऊं। और वो क्या कहा, पहली बार भगवान कह रही है, पहली बार कह रही है, आखिरी बार कह रही है, धर्म अमृतम यथा उत्तम परिपास्ते, धर्म अमृतम जो करती है कायम ये अमृत सा धर्म, और वो कैसे रखती है, कौन रखेंगे, यकीन से जो रखते हैं, ये तो हम बाद में लेंगे, ये कौन करेगा, जो चोटी का श्रद्धालु होगा, यकीन से जो रखती है सीने को गर्म, जिनके अंतःकरण श्रद्धा से भरपूर है, जिनके अंदर श्रद्धा ओवरफ्लो कर रही है, जिनके अंदर श्रद्धा कर रही है, क्या बहुत ज्यादा बड़ी हुई है श्रद्धा, ये तो बात भी लूंगा, अभी तो इतना कह रहे धर्म अमृतम, जो कुछ भगवान ने 12वें अध्याय में कहा है, हाँ भक्तों के लक्षण बताए हैं, ये क्या है धर्म अमृतम, ये क्या है जीव की, ये ऐसा धर्म है जो भगवान की श्री मुख से निकला है, जो जीव को अमर कर देता है, शाबाश, जो जीव को सदा के लिए कल्याण कर देता है जीव का, जैसे हम क्वालिफाइड हो जाती है तो फिट फॉर प्रोफेसरशिप, फिट फॉर इंजीनियरिंग, फिट फॉर दिस एंड दैट, अगर हम क्वालिफाइड हो जाए तो इंजीनियर बन सकते हैं, क्वालिफाइड हो जाए तो प्रोफेसर बन जाती हैं, क्वालिफाइड हो जाए तो बड़ी बड़ी पोस्टों के हम एलिजिबल हो जाते हैं। आप तो समाज में रहती है मेरी बेटी,
आप क्वालिफाइड हो जाएं किसी भी पोस्ट के लिए तो आप यू आर एलिजिबल। इसी तरह हम भगवान के दिव्य दर्शन में क्वालिफाइड कब होंगे? भगवान ने कहा यथा उत्तम धर्म अमृतम परिपास्ते। ये जो मैंने ऊपर कहा है, इन गुरु को जो अपना लेते हैं, इन गुरु को जो अपने जीवन में ढाल लेते हैं, हाँ वो भगवान के दिव्य दर्शनों के योग्य हो जाते हैं। इस अमर धर्म को जो जीवन में ढालते हैं या क्या अमृत बनाने वाले अमर बनाने वाले इस धर्म को जो अपना लेती हैं, बहुत तरीके से अर्थ लगा रहा हूं, इस अमृत धर्म को जो अपना लेती हैं या अमर बनाने वाले इस धर्म को जो अपना, क्योंकि धर्म हमेशा जीव को अमर कर देता है, धर्म हमेशा जीव को आवागमन से मुक्ति दिलाता है, धर्म हमेशा जीव को दिव्य दर्शनों के योग्य बनाता है, दिव्य दर्शनों के योग्य। धर्म का काम यही है कि जीव को भगवान के दर्शनों काबिल कर दे। धर्म माँ की तरह है, अपने बच्चे को संवार के नला के धुला के सुंदर बना के पिता की गोदी में बिठा देती है। जरा आप मेरे लल्ला को पकड़ो ना, अब मैं भी नहा धो लूं और रसोई बनानी। हाँ हाँ जरूर 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 जरूर। लेकिन कब, जब अपने बच्चे को नलाया धुलाया रिबन लगाया बड़ा सुंदर बना दिया और अपने पति को दे दिया, लो ना काका को पकड़ो जरूर। इसी तरह धर्म जीव के अंदर की गंध को निकाल के उसे बड़ा अच्छा बना देती है, गुणों से लैस कर देती है। उसके बाद भगवान से कहती है धर्म देवी, क्या भगवान ये आपका जीव है, आपके काबिल है, जरा पकड़ो ना। अरे धर्म को मैं माँ कह रहा हूं, जननी कह रहा हूं, जो भगवान के काबिल बनाती है। माँ भी तो नला धुला के नाना प्रकार के सुंदर कपड़े पहना के बच्चे को, बच्चे में एक आकर्षक और प्रियता पैदा कर देती है। इसी तरह धर्म भी जीव में नाना प्रकार के गुणों को भर कर भगवान के दर्शनों के योग्य बना देता। हम भी कुछ अपनी ओर से करें, मेरी देवियों और मेरी अच्छी बेटियों, हम भी तो अपनी ओर से प्रसाद करें कि मैं इन गुणों को अपने अंदर भरूं, अब गुणों को निकालूं और गुणों को लूं। जैसे कि हम रोज चाह का प्याला पीते हैं, ऐसी हमने करना है। क्या चाक की पत्तियों को खोलते हुए पानी में डाला, हाँ उसके बाद थोड़ी देर खोलता रहा पानी और चाह ने अपना जो तासीर पानी में छोड़ दी, हाँ उसके बाद हमने छान लिया गॉड, उसमें थोड़ा सा दूध छोड़ा गॉड, उसके बाद फिर हम थोड़ी थोड़ी खांड छोड़ते हैं, थोड़ी खांड पर मिल जाती है, अब ये क्या है, अब ये पेय है अर्थात पीने के योग्य है, पिए जरा, अब ये पेय हो चुका है, बहुत अच्छे। इसी तरह हमारे में तो अवगुण है ना, हाँ सूत्र करके जो भगवान ने गुण बताए हैं, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम से शुरू किया मेरे भगवान ने, इनका सूत्र करके अपनाने कोशिश कर, थोड़ा हमारा अंतकरण मिठास से भर जाएगा जो भगवान के पीने के योग्य हो जाएगा। अपनाइए इन गुणों को धीरे करके धीरे करके, एक एक गुण को अपनाइए। भगवान शक्ति मांगी, प्रभु मुझे विशेष शक्ति दो, मैं इसे अपनाने की कोशिश करूं, मैं इसे अपने जीवन का अंग बनाऊं, मेरे मालिक मेरे परवरदिगारे आलम मेरे सर्वेश्वर मेरे इष्टदेव ऐ मेरे अंतर्यामी दयालु कृपालु मेरे शांत सुंदर दया के समुंदर मुझे विशेष शक्ति प्रदान करो। मैं आप इनको कहा धर्म अमृतम यथा उत्तम परिउपास्ते, इसके अनुसार जो अपने जीवन में ढाल लेता है मुझे ढालने की तो ताकत दो। अगर आप मुझे अपने योग्य बनाना चाहती हूँ तो इनको मैं ढालूं, एक जमाना कुर्बानी के पुत्र और कष्ट में कष्ट किए मेरा कुछ नहीं मिलता, बल्कि हम जमाने में अपनी आंखों से देखा है, अपने जीवन में देखा है कि जितनी वस्तु मूल्यवान होती है, मैं क्या कहने जा रहा हूँ, जितनी वस्तु संसार में मूल्यवान होती है उसके लिए कुर्बानी भी उतनी ज्यादा करनी पड़ती है। अब भगवान ने तो खुद अपने श्रीमुख से कहा है, क्या कहा, जाओ उसको मिलने से आए यकीन की दौलत कोई उनसे बढ़कर नहीं, भगवान से बढ़कर तो कोई भी नहीं, भगवान से बढ़कर मूल्यवान तो ना था ना है ना होगा। हाँ यहीं से अनुमान लगा लो कि जिस इष्ट देव जी को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उनके दिव्य दर्शन चाहते हैं, वो तो चोटी के हैं, सुप्रीम है, अफजल है, हाँ उत्कृष्ट है, उनके लिए कुर्बानी भी मुझे बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो क्या हो गया, अरे हमारे महापुरुष तो यहां तक कह गए, मेरी बेटी बेटियों और मेरे बुजुर्गो ये सर दितिया रब मिले तो तामी सस्ता, शेर ने तो आकर सड़ना ही है, सड़ने वाली चीज से अगर ना सड़ने वाला रब मिलता है तो फिर तो बड़ी सस्ती बात है, बहुत ही सस्ती बात है, बहुत सस्ती बात है। सड़ने वाले सिर से अगर अमर चीज प्राप्त होती है तो मानो कौड़ियां दे के लाल मिला, कौड़ियां दे के लाल मिला, या क्या टूटने वाला मिट्टी का घड़ा दे के क्या सोने का घड़ा प्राप्त हुआ। दिया हमने मिट्टी का घड़ा और लिया हमने सोने का घड़ा, ये सर दितियां रब मिले तामी सस्ता जान, कोई ऐसी बात नहीं। शरीर तो जाना ही है, क्यों ना नाना प्रकार की मुसीबतों आफतों और नाना प्रकार की कठिनाइयों और समस्याओं का मुकाबला करते हुए हम बढ़ते चले और इन गुणों के साथ लैस हो जाएं, पूरा पूरा न्याय करें कि इन गुणों को तो अपनाना है कम वक्त में, कुछ भी क्यों ना हो जाए बढ़ गया आगे गतम तो प्रेमी को पीछे हटे, इब्तदाई इश्क है परवाना कर अंजाम की। क्या हो गया,
ये तो करना ही है, ये तो अपनाना ही है, इसके बिना तो कोई चारा है ही नहीं, ये तो मैं करके छोड़ूंगा, ऐसा पक्का इरादा कीजिए। ये तो मैंने करना क्यों, इसके बिना चारा कहां, इसके बिना मेरा कल्याण कहां होगा, मेरी बेहतरी कहां होगी, मेरे लोक पर लोक कहां बनेंगे, मैं भगवान के दिव्य दृष्टियों के योग्य कैसे बन सकूंगा। इसलिए हर कीमत पर, इवन एट द कॉस्ट ऑफ माई लाइफ, अपनाऊंगा, जरूर अपनाऊंगा, कभी तंग नहीं आऊंगा, कभी तंग नहीं होगा। गुरुदेव के इन शब्दों को मैं चटाक कर दिखाऊंगा, जो ना अक्के ना थक्के ना जक्के, वो रब दे मिठा चरणा नु जा चखे। समझे ए मुनी, जो ना अक्के ना थक्के ना जक्के, वो रब दे दर्शना नु चखे। तो क्यों ना हम क्यों अक्के थक्के जक्के, जब इसके बिना कुछ आ रही नहीं है, इसके बिना कोई ऑल्टरनेटिव या कोई बदल है ही नहीं, तो फिर जुट जाएंगे, लग जाएंगे, हम जरा भर भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इसी में हमारा कल्याण है। कमाने वाला कितनी बार घाटा खाता है पर कभी भी कमाना छोड़ता नहीं, पढ़ने वाला कितनी बार मैंने कहा फेल हो जाता है पर कभी भी वो पढ़ना छोड़ता नहीं। आहा, इसी तरह हम लोग भी, चाहे हमें कितनी मुसीबतों को ना मुकाबला करना पड़े, कोई बात नहीं, पर हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे ही बढ़ते जाएंगे, भगवान से विशेष शक्ति मांगते हुए और आगे निकलेंगे, और आगे निकलेंगे। क्योंकि भगवान कह रहे हैं, कोई ऐरा घरा नत्थु कह रहा नहीं कह रहा, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश देवता के रूप में नहीं कह रहे, कोई संत महात्मा साधु सन्यासी नहीं कह रहे, बल्कि योगेश्वर लोकीनाथ कह रही है, क्या क्या धर्म अमृतम यथा उक्तम परिउपास्ते, जो करती है कायम जे अमृत सब धर्म, और यकीन से जो रखते हैं सीनों को गर्म, जिनके सीने जिनके अंतःकरण भगवान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा से, हक्कुल यकीन से, फेथ और फुल बिलीफ से गर्म रहते हैं। आहो, लेकिन भगवान तो वो बात अभी चलानी नहीं, चला रहे धर्म अमृतम, जो मैंने ऊपर कहा है ये अमर बनाने वाला धर्म है। धर्म पर लड़ाई झगड़े होती हैं, तो जरा देखना 13वें श्लोक से लेकर 19 श्लोक के बीच में भगवान धर्म कह रहे हैं। ये जो 13वें श्लोक से बात चली है, हाँ, और 19 श्लोक तक भगवान ने बात की है, ये देखिए जरा 13 और 19 वैसे कितने बनते पुत्र, 6, 13 को बीच में मिलाओ तो बन गए 7। ये इन 7 श्लोकों में सत भरपूर है, इन 7 श्लोकों में सत भरपूर है, और जहां सत्य है वहां धर्म है, जहां धर्म है वहां भगवान जी आप है। यतो धर्मा ततो जया, जहां धर्म है वहां जीत है, जहां जीत है वहां भगवान बजाते खुद है, वही तो महाराज जी विराजमान है। आइए मेरे बुजुर्ग भाइयों, मताओ बेटियों, भगवान ने जो कुछ भी इन 9 महीनों में मुझे और आपको विस्तार पूर्वक बताया समझाया, हाँ, अब तो भगवान से प्रार्थना की जानी चाहिए, अगर ये बात है मेरे मालिक, अगर ये गुण हमें अमर बना देते और आपके दिव्य दर्शनों को योग बनाएंगे, तो हमें विशेष शक्ति प्रदान करो कि हम भी इन गुणों के साथ पूरा पूरा इंसाफ करें, हम इन गुणों को अपने जीवन का विशेष अंग बना के छोड़े, क्योंकि इनसे मेरे परमात्मा मुझे मिलती है, आहा, इनसे मेरा लोक परलोक बन जाता, आहा, इनसे नाना प्रकार के दुख हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं, ये आधी व्याधि उपाधि ये सब की सब कपूर हो जाती हैं, और मेरे पास सदा रहने वाली शांति मिलती है, फिर तो मैं कभी भी नहीं थकूंगा, फिर तो मैं बहुत परिश्रम करूंगा, भागीरथ पुरुषार्थ करूंगा और जुट जाऊंगा। ओह, ये तो कोई बात ही नहीं है, शरीर तो वैसे मिट्टी जा रहा है, सेकंड बाई सेकंड, मिनट बाई मिनट जा ही रहा है, डिजॉल्व होता जा रहा है, क्यों ना मैं भगवान की ओर लगा डालूं, क्यों ना इन गुणों को अपनाने में मैं एड़ी चोटी का जोर मारूं, जिससे मेरा लोक बने, परलोक बने, और अमर पुरुष में मैं सदा के लिए समा जाऊं, और आवागमन के विचित्र विलक्षण एवं अत्यंत दुखदायी चक्कर से छूट जाऊं, दस दिला तेन होर की चाहिदा। ऐसे के लिए मेरे भगवान बड़ा कमाल कह रही है, वो उसको लिए कह रही है, ऐसों के लिए कह रहे हैं कि जो इनको अपनाने वाला है, अपने जीवन में एड़ी चोटी का जोर मार के अपनाया जा रहा है, जीवन में ढाले जा रहा है, कभी गिरता है, कभी उठता है, कभी उठता है, फिर कभी गिर जाता है, फिर गिर के फिर ये नहीं कि उठता जाता है ना, जब भी वो उठता है उसका कदम आगे बढ़ता, पीछे नहीं नाम लेता, और आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ता, गिर गिर के फिर आगे बढ़ता है, और इन गुरुओं के साथ 2-4 होने की बड़ी कोशिश कर रहा, पूरा पुरुषार्थ कर रही है। हाँ, भगवान कहते हैं, हाय, जो करती है काम के अमृत सा धर्म, यकीन से जो रखती है सीनों को गर्म, जो मकसूद आला समझ ले मुझे, वही भक्त है सबसे प्यारे मेरे। या भगवान ने सुपर डिग्री लगा दी, या भगवान ने तम कह दिया, प्रियतम ते अतीव, शब्द खुद कह लगा अतीव एक्सट्रीमली डियर टू मी, दोज लकी सोल आर एक्सट्रीमली, भगवान अतीव कह रही है, ते अतीव मे प्रिय, वो मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। जब आपको बच्चे का बड़ा बहुत ज्यादा प्यार होता तो आलिंगन कर लेते हैं आप, अत्यधिक प्यार का कलेक्शन क्या है, आलिंगन, आप जोर का आलिंगन करती है अच्छी प्रकार, कभी माँ को देखा करो बच्चे के साथ, तो हमारी नजरों का सूरज कहते हैं बच्चा जच्चा, बच्चा जच्चा नहीं है, प्रेम सराबोर है,
प्रेम साकार रूप में, जब मां अपने बच्चे को छाती से लगा के एक में को पड़ी हो, हम कहते हैं प्रेम साकार, प्रेम साकार हो गया, अर्थात प्रेम ने प्रकट करके दिखा दिया कि मैं ये हूं। तो भगवान भी जब भगत को बड़े प्यार से जब कब करते आलिंगन, जब कहते हैं एड़ी चोटी का जोर मार रहा है, अपनाया जा रहा है, एक मेक की जा रहा है, भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा है और जीवन में एक ही उद्देश्य बनाया भगवान को प्राप्त करना, और ये नहीं कि मुंह से कहता है कि मैंने प्राप्त करना है ना, दिन रात एक कर रहा है जाप में, भजन में, सिमरन में, चिंतन में, सत्संग में, जितने भी साधन भगवान को प्राप्त करने के महापुरुषों ने बताए उन सारे साधनों को अपने जीवन का अंग बनाए जा रही है, बनाए जा रहे ही गए, और जरा भी कोर कसर नहीं छोड़ा है उन नेक जीवों के लिए। हमारे श्याम जी कह रही है क्या क्या वही में है सबसे प्यारे मेरे, जो मकसूद आला समझ ले मुझे वही भक्त है सबसे प्यार, सबसे कह दिया कि वो सारों से बाजी ले जाते हैं, वो इस भक्ति की दौड़ में नंबर वन पे रहते हैं। वाह वाह वाह, अतीश लगाया जा रहा है, वो मुझे अत्यधिक प्यारे, अत्यधिक क्या कहनी, एक तो अधिक पहले ज्यादा है, उसके साथ फिर अति लगा देना, क्या कहने क्या कहने क्या कहने, साथ भी अति शब्द लगा के भगवान को चैन पड़ा कि वो तो मुझे बहुत ही प्यारे हैं। एक तो हो आपने जो है अंगूरों की खान, क्या बोलते हैं उसको, ग्लूकोस, एक तो हो ग्लूकोस, हाँ, और फिर आप, फिर मैं क्या कहने जा रहा हूँ बेटी, मैं क्या कहने जा रहा हूँ, एक तो हो ग्लूकोस, हाँ, फिर आप उसे माखी में डाल के खाए बेटी, ओ बेटी, बाबा क्या कह रहा है तू, ओ मेरे बच्चे, एक तो ग्लूकोस, हाँ, मिठाई है बहुत ज्यादा, फिर आप माखी में खाएं, हाय हाय, क्या कहने क्या कहने क्या कहने, आहा आहा, जरा देखिए, एक तो भगवान है, हाँ, जो के माखी का रूप है, एक इधर भगत जो के प्यार में भरा पड़ा है भगवान के प्रति, दृष्टों के लिए बेताब और बेकरार हो रहा है, उसको क्या भगवान कहते ते अतीव में प्रिया, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे माखी के अंदर किसने ग्लूकोस डाल दिया है, भक्त और भगवान का मिलाप हो रहा है और भगवान जोर का लिंगन करके कह रहे हैं हाय तू मुझे बहुत प्यारा है, क्योंकि तू इन गुरु को एक में करने के लिए बहुत मेहनत मार रहा है, तू मुझे बहुत प्यारा है, तू मुझे बहुत प्यारा है, तू मुझे बहुत ही प्यारा है, तू इतनी कोशिश कर रहा है इन गुरु को अपनाने की और उगता नहीं, थकता नहीं, तंग नहीं आता, और मेरे लिए इतना प्रसाद कर, तू मुझे बहुत ही प्यारा है, तू मुझे अतीव प्यारा है, हाय, भक्ति अपनी चरम सीमा को पहुंच गई, या भक्ति और भक्त, हाँ, भगवंत में तलीन हो गए, कह दो कह दो कह दे मेरी बेटी, या भक्ति और भक्त भगवंत में तलीन हो गए, जो करती है काम ये अमृत सा धर्म, यकीन से जो रखती है सीनों को गर्म, जो मकसूद आला समझ ले मुझे वही भक्त है सबसे प्यारे मेरे। आज सुना है, विचार करेंगे, कल फिर सुनेंगे, कई दिन मुतवाता सुनेंगे कि भगवान क्या कह रही हैं, जो करती हैं कायम ये अमृत सा धर्म, और उन्हीं के से तो ये धर्म कायम है, पर रब करेगा कायम रहेगा। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।